एक तरफ योगी जी का आगमन तो दूसरी तरफ गाजीपुर पहुंचा अंसारी परिवार। ना शनिवार ना रविवार, दिन था सोमवार और मामले के केंद्र में थे मुख्तार। आपको पूरी खबर दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे दबा दें ताकि आपको ताजा तरीन खबरें लगातार मिलती रहें। पूरी खबर ब्रेक के बाद। क्या आप काफी दिनों से गठिया रोग से परेशान हैं? क्या आपको कमर दर्द हमेशा रहता है? क्या आपकी जोड़ों में दर्द रहता है? तो अब कहें सभी दर्द को अलविदा। जी हाँ, गुणकारी जड़ी बूटियों से बना दर्द नाशक हर्बल तेल रोगन सुर्ख जदीद एक बार अवश्य प्रयोग करें। करीब दो वर्षों से मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपड़ जेल में बंद, और वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का विवाह होता है। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की तमाम कोशिशें कर रही है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। आइए जानते हैं और समझते हैं क्या है पूरा मामला। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं अमितेश सिंह। समझते हैं इस पूरी घटनाक्रम को कि किस तरह की ये घटना है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई की, किस तरह का जजमेंट आया, क्या था पूरा मामला? देखिए अभिनय, जजमेंट तो नहीं आया है। ये पहले ये रिट क्या है इसके थोड़े से बैकग्राउंडर के बारे में जल्दी से मैं संक्षेप में चर्चा करना चाहूँगा। रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी 2019 से बंद है और यूपी में इनके ऊपर कई मामले लंबित हैं। अब समस्या ये आ रही है कि उन मामलों में उनकी पेशी होनी है ताकि उन केसेस का डिस्पोजल हो सके। 2019 के बाद उन्हें यूपी नहीं लाया जा सका है और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कई कोशिशें की, यहाँ तक कि गाजीपुर पुलिस भी दो दफ़ा रोपड़ जेल होकर के आई है। वहाँ के जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने यह हवाला दिया कि मुख्तार अंसारी की के स्वास्थ्य के हालात ऐसे नहीं है कि वह ट्रैवल कर सकें। बताया गया कि उनको स्किन एलर्जी है, डिप्रेशन है, डायबिटिक है और हाइपरटेंशन है, ऐसे में वो ट्रैवल नहीं कर सकते, खासतौर से इतना लंबा ट्रैवल। अब तमाम कोशिशें की गई यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जब मुख्तार अंसारी को पंजाब गवर्नमेंट ने यूपी शिफ्ट नहीं किया तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जैसा कि आप जानते हैं कि दो स्टेट के बीच का अगर कोई डिस्प्यूट हो तो सुप्रीम कोर्ट में उसको कंसिडर करके उस पर हियरिंग की जाती है। इस मामले में भी आज हियरिंग थी, आज तारीख लगी थी और दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने 24 तारीख की डेट मुकर्रर की है, 24 फरवरी को इस मामले में आगे की सुनवाई होगी। अच्छा, इस बीच 24 तारीख की डेट मुकर्रर होगी। तो अभी जैसे एक खबर ये भी आई कि आज गाजीपुर में अब्बास अंसारी, उमर अंसारी और उनकी जो माता जी हैं आफसा अंसारी, वो आए थे, क्या था पूरा मामला वो? ये देखिए, जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि गजल होटल की लैंड डील को लेकर के 12 लोगों के ऊपर सितंबर माह 2020 में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें कि आफसा अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी की पत्नी हैं और उनके दोनों बेटे उमर और अब्बास को भी नामजद किया गया था। इस मामले में दो अलग अलग एंटीसिपेटरी बेल के लिए रिट फाइल की गई थी। एक एंटीसिपेटरी बेल के तहत जो है सशर्त जो है कि राहत मिली थी अब्बास और उमर को, और दूसरे जो एंटीसिपेटरी बेल की रिट थी उसके तहत उनकी मां आफसा अंसारी को राहत मिली थी कोर्ट से, लेकिन ये राहत जो है सशर्त थी। इसमें जो एक क्लॉज था वो ये था कि इन लोगों को देश छोड़ने के लिए न्यायालय से आदेशित किया गया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें एसपी या जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो उनको पासपोर्ट सरेंडर करना था, साथ ही साथ उनको ये भी अश्योर करना था कि आगे जो भी लीगल प्रोसीडिंग होगी, इंट्रोगेशन होगा या जहां जहां एडमिनिस्ट्रेशन को लगेगा वो तो सपोर्ट करेंगे। तो आज जो हम लोग को जानकारी मिल रही है कि एसपी से मुलाकात हुई है और इन लोगों ने अपना पासपोर्ट सरेंडर किया है पुलिस अधीक्षक के पास। जी देखिए, इसके साथ ही इसको इस नज़र से भी देखिए कि एक नैरेटिव ये पिछले दिनों चल पड़ा था कि अब्बास की शादी होती है जयपुर में, और सोशल मीडिया से लगाया कि ये नैरेटिव चला कि अब्बास ने अपनी शादी के लिए जयपुर को इसलिए चुना क्योंकि वहाँ कांग्रेस रूलिंग गवर्नमेंट है। तो एक तरफ रोपड़, एक तरफ जयपुर। रोपड़ पंजाब में भी कांग्रेस रूलिंग है और राजस्थान में भी है। जी बिल्कुल, तो ये अंसारियों की तरफ से एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कहा जा सकता है कि उन्होंने ये संकेत दिए हैं, या संकेत का इसको सीधे कहा जाए कि जो हाई कोर्ट के आदेश हैं उसके कॉम्प्लायंस के ही क्रम में इस घटनाक्रम को देखा जा सकता है। ये भी कहा गया कि
अब्बास अंसारी, उमर अंसारी और आफ्ता अंसारी जब पुलिस अधीक्षक के पास आए तो जानकारी मिली कि उन्होंने अपने पासपोर्ट को सरेंडर किया और इन्हें उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट के आदेशानुसार वो जो है गिरफ्तारी का जो है उनके ऊपर गिरफ्तारी उनकी नहीं हो सकती, फिलहाल रोक लगी हुई है। ये देखिए, इसको ऐसे समझिए कि जो अगर आप जजमेंट की कॉपी पढ़ेंगे जो कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल के क्रम में जो जजमेंट कॉपी आई है उमर और अब्बास की और साथ में आफ्ता अंसारी की, उसमें ये लिखा गया है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पूरा सपोर्ट ये लोग दें और अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगता है कि उन्हें वांछित सहयोग नहीं मिल रहा है तो वो माननीय न्यायालय में इस बात की अपील कर सकते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल जो है उसको रद्द कर दिया जाए। तो ये अंसारी फैमिली ने एक जो है कि इसी जो हाई कोर्ट की रूलिंग है या हाई कोर्ट का जो निर्देश है आदेश है उसी के क्रम में इसको देखा जाए कि आदेश के पालन के क्रम में उन लोगों ने एसपी से मुलाकात की है, अपना पासपोर्ट सरेंडर किया है। जैसा कि न्यायालय ने कहा था कि ये तीनों लोग देश नहीं छोड़ सकते हैं और साथ ही साथ उन्होंने इस पूरे विवेचना के क्रम में जो भी आईओ हैं उनको सहयोग देने की बात कही है। इसको इस नज़रिए से भी देखा जा रहा है कि जब अब्बास अंसारी, उमर अंसारी और आफ्ता अंसारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए, पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की, उन्होंने अपना पासपोर्ट वहां पर पुलिस अधीक्षक को सौंपा, एक बार फिर गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में चली गई है। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और अगली तारीख है 24 फरवरी की। अब देखने वाली बात ये होगी कि 24 फरवरी को किस तरह का जजमेंट आता है, किस तरह की बातें सामने आती हैं। सारे अपडेट्स को हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें एबीटी न्यूज। कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनेंद्र। कान दर्द, सर दर्द, बच्चों के सूखा रोग, जल्दी कटनी, चोट मोज सूजन एवं शारीरिक दर्द की अचूक औषधि तिब्बी रोगन सुर्ख जदी तेल।